हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ट्रायंगल जो लेयर वाले पराठे। ये फ्रेंड्स सबसे अलग है। आप सबने बनाया होगा पराठे, लेकिन ये ट्रायंगल पराठे जो है लेयर वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो हमें ट्रायंगल लेयर्ड पराठे बनाने के लिए ये 2 कप हमें आटा चाहिए, जो इस वाले कटोरी में मैंने नाप के लिया है। ये 2 कटोरी आटा है और ये तेल जो इसमें डाल के हम आटा गूंथेंगे। और मैंने ये नमक लिया है 1/2 चम्मच और ये घी लिया है जो पराठे के ऊपर लगा के उसको बेलेंगे। और आटा लिया है, इसको भी हम बेलने के टाइम यूज़ करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, आटे में ये जो नमक है नमक डाल देंगे और ये तेल डाल देंगे। हम लेयर पराठे बना रहे हैं तो इसमें तेल डालना पड़ेगा। देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सॉफ्ट डो बना देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है एक साथ, ज़्यादा पानी डालने से हमारा आटा ख़राब हो सकता है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी करके सॉफ्ट डो बनाते हैं। हाँ, तो देखिए, मैंने आटे को अच्छे से गूंथ दिया है, बहुत सॉफ्ट बना दिया है मैंने इसको। फिर भी हम क्या करेंगे, देखिए कितना अच्छा आटा बना है। और इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको मैं ऐसे इसको ढक दूंगी, ढक के 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जब हमारा आटा फूल जाएगा तब हम पराठे बनाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, तो देखिए, अभी 20 मिनट हो गया है, हमारा आटा भी फूल गया है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे आटा थोड़ा सा गूंथ लेते हैं। फिर बहुत अच्छा बना है, एकदम सॉफ्ट आटा बना है फ्रेंड्स। जब भी आप आटा अच्छे से गूंथेंगे ना, आपका पराठा उतना आपका सॉफ्ट बनेगा। देखिए, हम क्या करेंगे, ऐसे गोला बना देते हैं। जितना हम पराठा बनाएंगे उतना गोला बना देते हैं। मैं 4 का पहले बना देती हूँ। ये बन गया, 6 बन गया है। अभी देखिए, ऐसे पेड़ा जैसे बना देते हैं सबको मैं पेड़ा जैसे बना देती हूँ। ये मैंने अभी ये पेड़ा बना दिया है, ये ऐसे देखिए। अभी मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप लेयर्ड पराठे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक गोला उठाया मैंने, इसको ढक देते हैं नहीं तो ये कड़क हो जाएगा। देखिए, ऐसे मैंने आटा लगाया, एक गोला उठा के ऐसे रोटी जैसे बेलना है हमें इसे। आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ये जो गोला मैंने बनाया है थोड़ा बड़ा बनाया है, आप छोटा भी बना सकते हैं। पहले हमें इसे अच्छे से रोटी बनानी है। रोटी की जैसे ही गोल गोल बनाएंगे, देखिए अभी मैंने इसे रोटी जैसे बेल के बना दिया है, एकदम सर्कल ऐसे बना दिया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो घी है ना, घी लेके चम्मच से ऐसे चारों ओर से हम फैलाएंगे। लेयर वाले ट्रायंगल पराठे बना रहे हैं तो घी को हमें अच्छे से लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, लेकिन चारों तरफ से अच्छे से लगाएंगे तो लेयर क्या होगा, अच्छा हमारा बनेगा। देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, मैं बता रही हूँ आपको ट्रिक। ये जो आटा है, आटे को लेके ऐसे चारों ओर से हमें ऐसे डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आटे को ऐसे डाल दिया है। अभी उसका ट्रिक है, हम इसको अभी ऐसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड किए, फोल्ड करने के बाद हमें इसे ऐसे बंद करना है, नहीं तो हमारा जो घी है बाहर आ जाएगा और पराठा मतलब फटने लगेगा जब बनाएंगे। अभी हम ये ऐसे क्या करेंगे, इसको हमने अच्छे से बंद कर दिया है। जो भी हमारा घी और जो हमारा आटा है पैक हो गया है अंदर, ये बाहर नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने आटा लिया है
आटा लेके दोनों तरफ से ऐसे हम लगा देंगे आटे को और ऐसे बेलेंगे तो थोड़ा बहुत हमारा घी आ सकता है, लेकिन अगर बिना आटा डाले हम घी लगा के ही बेलेंगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा बाहर आएगा हमारा घी और हमारा ट्रायंगल पराठा अच्छा नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना है, पलट पलट के ऐसे थोड़ा करना है, ये जो पोर्शन आपको ऐसे बेलना पड़ेगा, पतला करना रखना पड़ेगा, नहीं तो जब आप गैस पे इसको तवे पे पकाएंगे तो अच्छे से नहीं पकेगा, इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ऐसे आपको बेलना है, देखिए कैसे घुमा घुमा के आपको बेलना पड़ेगा, ये इधर से ये लेयर बनेगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये दिखा दिया, मैं बाकी सब ऐसे ही बना देती हूँ, फिर हम तवे पे इसको सेकेंगे। चलिए फिर मैं सारा अभी बना देती हूँ। हाँ तो देखिए अभी मैंने सारे पराठे बेल के रेडी कर दिया है, अभी हम क्या करेंगे इन सबको सेकेंगे तवे पे। तवा भी मैंने चढ़ा दिया है, तवा हमारा गर्म हो गया है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने घी लिया, चारों ओर से इसे फैला दिया, तवा हमारा गर्म है। हम क्या करेंगे, एक एक पराठा अभी सेकेंगे। देखिए तो देखिए अभी हम इसे पलटते हैं और देखते हैं ये कैसे पका है। अभी हम इस क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे घी लगा देंगे। देखिए ये आपको लेयर दिख रहा होगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर से एक बार ऐसे पलट देंगे और चारों ओर से ऐसे घी लगा देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से हम इसको पकाएंगे। और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, लो नहीं करेंगे। देखिए लेयर देख सकते हैं आप, ये लेयर बना है हमारा, कितना अच्छा लेयर आ रहा है। ये देखिए चार लेयर हैं, चार हमने किया था। तो ऐसे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अच्छे से पकाते हैं। ऐसे ही सारे पराठों को हम सेकते हैं। देखिए कितना अच्छा ऊपर से पक गया है, दोनों तरफ से हमें ऐसे ही पकाना है, घी नहीं लगाना है। हम दोनों तरफ से घी लगा चुके हैं, बस ऐसे थोड़ा सा दबा दबा के पकाना है दोनों तरफ। देखिए ऊपर से ये कितने अच्छे से पक गया है, बस ऐसे ही ऐसे करके हमें पकाना है ताकि अच्छे से अंदर से ये पक जाए। ऐसे ही हम सारे पराठों को पकाते हैं, फिर प्लेटिंग करेंगे। हाँ तो देखिए अभी सारे पराठों को मैंने तवे पे अच्छे से दोनों तरफ घी लगा के सेक दिया है। देखिए छः मैंने बनाया था, ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखो लेयर वाले ये ऐसे बने हैं। ये सबसे अलग है, बहुत टेस्टी है। इसको आप क्या करेंगे, किसी भी चटनी या तो सब्जी, पनीर या दही के साथ खा सकते हैं। तो चलिए मैं अभी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने लेयर वाले जो पराठे हैं, ट्रायंगल पराठे, उनको मैंने अभी प्लेटिंग कर दिया है। देखने में कुछ ऐसे लग रहे हैं। ये मैंने दही के साथ प्लेटिंग किया है, आप अपने पसंद के किसी सब्जी के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ या तो सॉस के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।